सूचना का अधिकार स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के सभी शिक्षार्थियों का मैं दीपांकर जोशी स्वागत करता हूं। प्रिय शिक्षार्थियों, हमारा यह संपूर्ण कोर्स 12 इकाइयों या 12 मॉड्यूल्स में हमारी वेबसाइट में उपलब्ध है। कोर्स SLM फिलहाल इंग्लिश में ही उपलब्ध है, परंतु शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए वीडियो लेक्चर्स हिंदी माध्यम में उपलब्ध होंगे। चूंकि यह कार्यक्रम स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है, मेरा प्रयास रहेगा कि सूचना का अधिकार पर व्यवहारिक ज्ञान प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर हम चर्चा करें। आइए हम प्रारंभ करते हैं यूनिट 1, सूचना के अधिकार की परिभाषा और उद्देश्य। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीवन का अधिकार देता है, जिसमें अंतर्निहित है सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(a) भी सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसके अंतर्गत भी जानने का अधिकार शामिल है, जिसमें सरकार के कामकाज के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, विकास परियोजनाओं के विषय में भी जानने का अधिकार सभी नागरिकों को उपलब्ध है। अब प्रश्न यह उठता है कि फिर सूचना का अधिकार के रूप में अलग विधान की आवश्यकता क्यों हुई? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(a) सूचना का अधिकार देता है, लेकिन सरकार के अधीन ऐसी कोई मशीनरी सेटअप उपलब्ध नहीं था जो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई जानकारी या सूचनाओं को नागरिकों को उपलब्ध कराने की कोई प्रक्रिया बताता हो, और सार्वजनिक प्राधिकरण ऐसी किसी भी कानून के तहत इच्छुक नागरिक को जानकारी या सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं था। सूचना प्रदान करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण पर कोई कानूनी बाध्यता भी नहीं थी और इनकार करने के लिए भी कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन के लिए एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी जो सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे। लंबे प्रयासों के बाद अंततः 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2F के अनुसार सूचना का अर्थ रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात नमूने, मॉडल सहित किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे किसी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2I के अनुसार रिकॉर्ड में शामिल है 1. कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल, 2. किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और प्रतिकृति, 3. ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निहित छवि या छवियों का कोई भी पुनरुत्पादन, चाहे बड़ा हो या नहीं, कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री। सूचना का अधिनियम की धारा 2J के अनुसार सूचना का अधिकार का अर्थ है इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में या उसके अधीन है और इसमें कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों के निरीक्षण का अधिकार शामिल है। दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना, सामग्री के प्रमाणिक नमूने लेना, डिस्क टेप, फ्लॉपी टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहित होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2H के अनुसार शब्द सार्वजनिक प्राधिकरण का अर्थ किसी भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन की संस्था है जो स्थापित या गठित है संविधान द्वारा या उसके तहत, संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा, विधायिका द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा, उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, और इसमें शामिल है
स्वामित्व वाली नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित कोई भी संस्था। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध कराए गए धन से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन। सूचना के अधिकार का क्या उद्देश्य है? सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार संविधान द्वारा अंतर्निहित रूप से गारंटीकृत है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों से अवगत कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अधिनियम में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में रखी गई जानकारी तक पहुंच के लिए एक मशीनरी सेटअप प्रदान किया गया है। सूचना शब्द में रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल और कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री शामिल है। किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य लागू कानून के तहत एक्सेस किया जा सकता है वो भी एक्सेस योग्य है। सूचना के अधिकार में अभिलेखों, दस्तावेजों आदि का निरीक्षण करना, उससे नोट्स लेना या सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना भी शामिल है। अनुरोधकर्ता को जानकारी उपलब्ध न कराने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है तथा प्रत्येक राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। RTI सीधे आम लोगों के हाथ में सत्ता देता है। यह भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि अभिलेखों को विधिवत सूचीबद्ध और अनुक्रमित किया गया है ताकि यह सूचना के अधिकार को सुविधाजनक बना सके। प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद आयोग को उस वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता होती है। इस यूनिट में इतना ही। इसके बाद दूसरी यूनिट में हम शिक्षार्थियों के बाद फिर से फेस टू फेस उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।